माई चैनल रचना पलक चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू हो सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा है और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ना काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे, दी आपका मायका कहाँ पर है, आपकी ससुराल कहाँ पर है, आपके बच्चे कितने हैं। तो ठीक है, मैंने कहा अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना चाहिए क्योंकि आप लोगों के साथ में ना मैं अपनी रियल लाइफ शेयर करती हूँ। सो जो भी मतलब मैं डेली रूटीन में करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर देती हूँ क्योंकि जो आप लोगों के कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई करना मेरा काम है। सो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले यार लाइक तो बनता है यार, क्योंकि मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बना बट मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला है तो ठीक है चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और बाबू यहीं पर गोदी में लेटे हुए थे तो इसलिए देखो उठ गए हैं। सो चलो सो फैमिली मैं एमपी से हूँ और एमपी के सागर में मेरा मायका है। तो आप सभी जानते होंगे सागर जिला, तो वहाँ पर मेरा मायका है। ओके, और एमपी के नरसिंहपुर ज़िले में मेरी ससुराल है। सो आप लोगों को पता चल गया कि एमपी के सागर में मेरा मायका है और एमपी के नरसिंहपुर में मेरा ससुराल है। ओके, और मम्मी पापा ना सागर में नहीं रहते हैं, वो लोग भोपाल में रहते हैं। तो अभी मैं भी भोपाल में ही हूँ और ज़्यादा आना जाना भोपाल में ही होता है। और मैं भी अपनी ससुराल में नहीं रहती हूँ, वहाँ गांव में नहीं रहती हूँ। तो मैं नरसिंहपुर में कभी कभार ही जाती हूँ, मतलब जैसे त्यौहार रहते तभी जाती हूँ। और मैं इंदौर में रहती हूँ, तो मैं नरसिंहपुर में नहीं रहती हूँ, मम्मी पापा सागर में नहीं रहते हैं और मैं इंदौर में रहती हूँ। ओके, और आप लोग पूछ रहे थे आपके बच्चों के नाम क्या हैं, आपके कितने बच्चे हैं। सो चलो आप लोगों को बताते हैं। तो मेरे दो बच्चे हैं, बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय। तो देखो ये घूम रही है, ये है पलक। तो मेरी बेटी का नाम पलक है और भैयू का नाम जो मेरा बेटा है ना उसका नाम उदय है। तो मेरे दो बेबी मतलब बच्चे हैं। सो मेरे दो बच्चे हैं, आप लोगों को पता चल गया। तो चलो अब आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है सो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, क्योंकि अब मुझे अपना ब्लॉग शेयर करना है आप लोगों के साथ में, इसलिए मैंने सोचा चलो मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहिए, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक।